गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी में हम रेम्बो बुक में से थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है थर्ड थॉट्स, जिसके 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम 125 वर्ड्स वाले, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, जस्टिफाई द टाइटल थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए, यानी ये टाइटल इस लेसन को देखते हुए, इस स्टोरी को देखते हुए इसके लिए सही है, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो आंसर देखिए, द टाइटल ऑफ द एसे थर्ड थॉट इज़ ए ह्यूमरस कॉइनेज बेस्ड ऑन द ईडियम सेकेंड थॉट्स। यानी एक ईडियम है, मुहावरा है सेकेंड थॉट, ये उस पर आधारित है। सेकेंड थॉट्स मीन्स ओपिनियन और रिसोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। यानी सेकेंड थॉट का अर्थ क्या होता है कि हमारा वो ओपिनियन या हमारा वो रिसोल्यूशन जो हमें मिलता है या जिस पर हम पहुंचते हैं रिकंसिडरेशन करने के बाद, यानी पुनः विचार करने के बाद। इन दिस एसे द ऑथर गोज ऑन रिकंसिडरिंग एंड चेंजिंग हीज ओपिनियन डायरेक्टेड बाई ही सेल्फिश मोटिव। यानी इस ऐसे में भी हमने देखा है कि जो ऑथर है वो रिकंसिडरिंग करने के बाद उसका जो ओपिनियन है उसको भी चेंज कर देता है अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए। इट शोज़ दैट देर इज़ नो एंड टू कंसिड्रेशन एंड रिकंसिड्रेशन। ये चीज़ ये दिखाती है कि सोच विचार करने की कोई सीमा नहीं होती है। When one's mind is taken over by selfish thoughts, जब एक इंसान के दिमाग में स्वार्थी विचार आने लगते हैं, and worldly wisdom, और सांसारिक चीज़ें। Successive reconsiderations replace lofty and generous ideas with selfish ones. In this lesson, the narrator considers and reconsiders his thoughts of sharing the profit with the डीलर। यानी इस कहानी में या इस ऐसे में जो ऑथर है या नरेटर है वो विचार करता है अपना प्रॉफिट का शेयरिंग डीलर के साथ करने के लिए। द टाइटल सजेस्ट दैट वी टेंड टू चीट आवर ओन सेल्फ इन द नेम ऑफ सेकेंड और थर्ड थॉट। यानी ये टाइटल ये सुझाता है कि हम अपने आप को ही धोखा देते हैं ये बात बोलकर कि हम किसी विषय पर सोच रहे हैं या फिर पुनः विचार कर रहे हैं। सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली एप टाइटल टू द एसे। तो इस हिसाब से ये जो टाइटल है थर्ड थॉट, इस एसे को देखते हुए बिल्कुल उपयुक्त है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेंशन द रीजंस गिवन बाय द नरेटर फॉर चेंजिंग हीज रिसोल्यूशन विथ ईच रिकंसिडरेशन। प्रत्येक पुनर्विचार के साथ अपने निश्चय में परिवर्तन करने के लिए नरेटर द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख करिए। यानी क्या क्या रीज़न दिया उसने जैसे जैसे वो चेंज करता गया अपना ओपिनियन। तो आंसर देखिए, द नरेटर चेंज्ड हिज रिसोल्यूशन फर्स्ट टाइम विथ रिकंसिडरेशन दैट व्हाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड। ही सेज इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग नॉट हीज। उसने क्या कहा कि वो मेरी आंखें थी जिसने ड्राइंग की संभावना को पहचाना, ना कि उस डीलर की। द सेकेंड टाइम ही चेंज्ड हिज रिसोल्यूशन विद द रीजंस इट विल ओनली गिव हिम द रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर। दूसरी बार उसने क्या रीज़न दिया कि इससे केवल वो अपने कस्टमर को लेकर गलत आइडियाज़ अपनाएगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, कि वो हर दिन ऐसे ही लेटर्स की उम्मीद करेगा और बी डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाएगा। द थर्ड टाइम द रीज़न वॉज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज लाइफ ही हैड अर्न सच ए बिग प्रॉफिट। और तीसरी बार उसने क्या रीज़न दिया कि जीवन में पहली बार उसने ऐसा कोई प्रॉफिट कमाया है। इफ़ ही गिव्स ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, तो अगर इसका हिस्सा वो प्रॉफिट का डीलर को देता है, इट इज़ द डायरेक्ट इंसल्ट ऑफ द गॉडेज ऑफ बिजनेस, तो वो व्यापार की देवी का अपमान करेगा। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, क्योंकि खरीदना और बेचना डीलर और कस्टमर के बीच स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होता है, यानी सीधा साधा मामला होता है। द नरेटर हियर सक्सेसफुली ट्राइज टू इंटरप्रेट दैट
वी इनफैक्ट डिसीव आवर सेल्फ इन द नेम ऑफ रिकंसिडरेशन। यानी इसमें नरेटर यही दिखाना चाह रहा है कि हम रिकंसिडरेशन का नाम लेकर अपने आप को ही धोखा देने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ नरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद द कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल। हाउ फार डज द स्टेटमेंट एम्बॉडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ थर्ड थॉट्स। इस कहानी का मूल बिंदु संग्रहकर्ताओं से मोल भाव करने में नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से मोल भाव करने में निहित है। ये कथन थर्ड थॉट पाठ की आत्मा को कैसे व्यक्त करता है? तो आंसर देखिए, इन दिस एसे द नरेटर वॉन्टेड टू सेंड हाफ ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर बट आफ्टर रिकंसिडरिंग दिस इश्यू अगेन एंड अगेन ही सेंट हिम नथिंग इन द एंड। यानी शुरुआत में वो देना चाह रहा था लेकिन बार बार जब उसने उस पर विचार किया तो अंत में उसने कुछ नहीं भेजा। इट शोज दैट देर इज़ नो एंड टू कंसिडरेशन एंड रिकंसिडरेशन व्हेन वंस माइंड इज टेकन ओवर बाय सेल्फिश थॉट्स एंड वर्ल्डलीनेस। यानी जब हमारे दिमाग पर स्वार्थी भावनाएं हावी हो जाती है, स्वार्थी विचार हावी हो जाते हैं, तो हमारे विचार और पुनर्विचार की कोई सीमा नहीं रह जाती। द लॉफ्टी आइडियाज सून डिसअपीयर। इनस्टेड ऑफ रीजनिंग विद अदर्स वी रीजन विद आवर ओन सेल्फ एंड ट्राई टू कन्विंस आवर सेल्फ दैट वॉट वी आर डूइंग इज जस्टिफाइड। यानी इसके बाद हम अन्य लोगों से तर्क नहीं करते हैं बल्कि स्वयं से ही तर्क करने लग जाते हैं और ये देखने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। विथ इन आवर सेल्फ इज लर्किंग फ्रॉम बिहाइंड एंड टेलिंग अस दैट वॉट वी आर डूइंग इज नॉट जस्ट एंड फेयर। द नरेटर therefore admits that the point of this narrative lies not in bargaining with collectors but in bargaining with his own soul. In this way, this statement embodies the true spirit of third thoughts to a great extent. Fourth आता है, why are city magnates successful according to the narrator? Narrator के अनुसार शहर के बड़े व्यापारी सफल क्यों होते हैं? तो answer देखिए, According to the narrator, the city magnates are successful because they don't do their business based on their emotions. यानी वो इमोशन से बिजनेस नहीं करते हैं। They have deep insight into the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce. In this world, impulse is negation of the magnetism. यानी इसमें भावुकता की बाध्यता होती है, इसमें आप भावुक नहीं हो सकते हैं। Buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and the customer. The dealer asks as much as he can extort and the customer having paid it, it is under no obligation to the dealer. यानी dealer जितना चाहे customer से मांग सकता है और जितना मांगा गया है अगर उतना customer चुका देता है तो उस पर कोई obligation नहीं रहता है। Thus, the city magnates are successful because they don't do foolish, impulsive things. इसलिए सिटी मैग्नेट्स सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ें नहीं करते हैं एज द नरेटर डिड, जैसे नरेटर ने की थी। इनफैक्ट दे टेक ऑल द प्रॉफिट विद देमसेल्व्स विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स आउट ऑफ देयर सेंटिमेंट्स और जनरोसिटी। यानी खुद की ही कारण वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, How did the intended note to the dealer read and did it ever reach him? उस विक्रेता को लिखे गए अभिप्रेत नोट में क्या लिखा था और क्या ये नोट कभी उस तक पहुंचा? तो आंसर है, The narrator purchased a drawing for 10 shillings. He sold it for 50 pounds. यानी 10 shilling में खरीदी, 50 pounds में बेची। Thus he earned a profit of 49 pounds and 10 shillings. तो 49 pound का उसे फ़ायदा हुआ। He wanted to give some amount of profit to the seller of drawing. वो इसका amount जो था वो dealer को भी देना चाह रहा था। So he wrote in the intended note to the dealer that the drawing was really drawn by the famous painter Turner. इसलिए उसने letter में लिखा कि drawing वास्तविक Turner के द्वारा लिखी गई थी। So he was successful in selling it at 50 pounds. इसीलिए वो उसे 50 pound में बेचने में सफल हुआ। The note was to the effect that he had sold the drawing at a big profit, which enabled him to make him a present. आगे उसने लिखा
कि उसे प्रॉफिट हुआ इसलिए वो उसे प्रेजेंट भेजने में सक्षम है. इट वॉज एन ओल्ड एंड ओड बिलीफ ऑफ द नरेटर दैट गुड लक शुड बी शेयर्ड. यानी उसका एक अजीब और पुराना विश्वास था कि हमारा गुड लक हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए. नो, द नोट नेवर रीच टू द डीलर बिकॉज ऑफ द नरेटर्स रिकन्सिडरेशन एंड रिकन्सिडरेशन अबाउट शेयरिंग द प्रॉफिट विद द डीलर. आगे इसमें पूछा था कि नोट वो कभी वहाँ तक पहुँचा या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, वो नहीं पहुँचा क्योंकि लेखक उस पर बार बार विचार करता रहा. इनफैक्ट द नरेटर बिगेन टू थिंक सेल्फिशली एंड मेड मैनी फॉल्स रीजन्स टू शेयर नथिंग विद द डीलर. यहाँ तक कि उसने कई बार सोचा स्वार्थपूर्ण तरीके से और कई ऐसे गलत रीजन्स भी दिए ताकि उसे प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा डीलर के साथ शेयर ना करना पड़े. सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, देर इज़ नो वरी लाइक ए वूमैन स्कॉन, हु इज़ द वूमैन रिफर टू हियर एंड वाई डज द नरेटर फियर हर फरी. आंसर है द वूमैन रिफर टू हियर इज़ द गॉडेस ऑफ बिजनेस. द नरेटर फियर्स हर फरी बिकॉज ही हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज लाइफ ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप. यानी पहली बार उस जीवन में आर्थिक लाभ हुआ था. By sharing it with the dealer, he doesn't want to insult the goddess of business. तो इस प्रॉफिट को डीलर के साथ शेयर करके वो व्यापार की देवी को नाराज नहीं करना चाहता, अपमानित नहीं करना चाहता. Just one or two days ago, she has blessed him. एक दो दिन पहले ही उसने उस पर कृपा बरसाई है. If he insult her, she may be angry with him and it would probably be the end of him. अगर वो ऐसा करता है तो वो उससे नाराज़ हो जाएगी और शायद ये उसका अंत होगा. सो ही क्वेश्चन हिमसेल्फ, व्हाई शुड आई स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे. वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस हूएवर शी मे बी. वाज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स. द नरेटर इनफैक्ट वॉन्ट्स टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. So he likes to please the goddess of business and fear her for it. यानी narrator एक successful businessman बनना चाह रहा था, इसलिए वो चाह रहा था कि business की जो देवी है वो उस पर कृपा बरसाए और उसका गुस्सा उस पर ना फूटे. तो ये हुआ हमारा जो third lesson था, third thought, वो complete. Thank you.